इस तारीख को जेट दरबार की दुल्हनिया बनेंगी गौहर खान। दो दिन तक चलेगा सेलिब्रेशन। मशहूर अभिनेत्री और बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी गौहर खान वैसे तो हमेशा ही चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ खास है जिसकी वजह से उनके चाहने वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। गौहर खान और जेट दरबार काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन जब भी उनसे शादी को लेकर पूछा जाता है दोनों इस सवाल को टाल देते हैं। लेकिन अब पता चला कि ये कपल शादी करने वाला है और इसकी तारीख भी तय हो गई है। गौहर खान और जेट दरबार की शादी की सभी जानकारियां अब सामने आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अगले महीने 24 दिसंबर को शादी करने वाले हैं। शादी का कार्यक्रम मुंबई के एक बड़े होटल में होगा और दो दिनों तक इसका जश्न मनाया जाएगा। गौहर खान और जेट दरबार का परिवार इस शादी के लिए कुछ दिन पहले ही राजी हुआ है। जेट के पिता इस्माइल दरबार ने भी कह दिया था कि जैसा उनके बच्चे करना चाहेंगे वे तो उसी में राजी हैं। जब गौहर खान बिग बॉस 14 का हिस्सा बनी थी तो उन्होंने जेट के पिता इस्माइल से फोन पर बात करके आशीर्वाद लिया था। इस्माइल दरबार ने बताया था कि कुछ ही दिनों पहले जब घर आए थे और अपनी छोटी माँ आयशा से गौहर को मिलाने लाए थे, उस दौरान उन्होंने खूब बातें की और लगभग 4 घंटे का समय एक साथ बिताया। इस्माइल दरबार को अपने बेटे जेट की पसंद पर तो एतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपने फैसले पर आराम से सोच विचार करने की सलाह जरूर दी थी। जेट से पहले गौहर कुशाल टंडन के साथ रिलेशन में थी। दोनों की मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी और ये दोनों टीवी के हॉट कपल बन गए थे। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, लेकिन किसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया।